तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से खेलने वाले हैं GTA 5। तो जैसे कि आप लोगों को लास्ट वीडियो में पता ही होगा कि हम लोगों ने भाई ये माइकल हमारा नुकसान कराएगा। ये चाबी से खुल नहीं रही थी गाड़ी, तो हमने सीधा ना शीशा ही फोड़ दिया। तो कोई बात नहीं, ये तो लगवा लेंगे। तो लास्ट वीडियो में गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग गए थे फ्रैंकलिन को बचाने ग्रूव स्ट्रीट से, बट उन्होंने बालास गैंग से ग्रूव स्ट्रीट में, बट वहाँ पे हमें फ्रैंकलिन मिला नहीं था। तो इसीलिए गाइस हम लोगों ने ठान लिया था कि हम लोग फ्रैंकलिन को बचा कर ही हटेंगे बालास गैंग से। तो इसीलिए अभी मैं और लेस्टर ना प्लान वगैरह बना रहे हैं, और ये गाड़ी तो आपको पता ही होगा कि किसकी है। तो अभी ना फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ सीधा पहले तो लॉस सैंटोस कस्टम्स में, क्योंकि इस गाड़ी का जो मिरर जो है वो भी डलवाना है। तो अभी लॉस एंड बैनिक ही चले जाते हैं, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी करवा लेंगे। तो बाकी गाइस इस गाड़ी की ना हैंडलिंग बहुत ज़्यादा सही है। और भाई ये देखो, अभी तो ठुक गई है। वैसे अगर यहाँ पे इतना ट्रैफिक ना होता ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी ड्रिफ्ट मार के दिखानी थी मैंने। और भाई बातों बातों के चक्कर में मैं गलती रास्ते में आ गया था, आगे इधर जाना था मैंने। तो अभी ना गाइस मैं यहाँ से इधर चला जाता हूँ। एक तो गाइस आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, इसका तो कोई बात नहीं, इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि अभी हम ठीक करवा ही लेंगे गाड़ी को। तो और भाई इधर से अभी हम लेफ्ट ले लेते हैं, नहीं सॉरी राइट लेना था ना, हाँ राइट ले लेते हैं और इधर से लेना है लेफ्ट। मैं पहले लेफ्ट कह देता हूँ क्योंकि ये ना गाइस जो जगह है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सी है। तो ये आ गया हमारा बेनिस का वर्कशॉप। ऑल राइट, तो अभी हम आ गए यहाँ पर। अभी गाड़ी को ना हम थोड़ा सा करवा लेते हैं मॉडिफाई वगैरह। तो बैनी भाई वो खड़ा, तो उसे कह देते हैं पूरे अच्छे से चमका दे गाड़ी। तो इंजन तो हमारी वैसे तो है ही, वैसे तो पूरी गाड़ी हमारी ओके है। हाँ बट इसमें आई थिंक से इसको ना रिपेयर करवाना है, तो वो मैं जल्दी से ना भी करवा लेता हूँ। बाकी व्हील वगैरह तो सारा ठीक है। एक बार अपना का इस विंडोज़ में जाके, एक सेकेंड, नहीं ये प्योर ब्लैक ही रखेंगे क्योंकि ये अच्छी लगती है। और अभी ना फ़िलहाल गाइस मैं सोच रहा हूँ ना इसमें लीवरी गाइस चेंज की जाए, क्योंकि गाइस आई थिंक से ना इसमें बैनी ने मुझे कहा था कि 4-5 लीवरी आती हैं इस गाड़ी में, तो वो कह रहा है कि उनमें से तुम देख लेना कौन सी जाए। फ़िलहाल तो अभी हमारे पास ये वाली येलो है, तो मैं जल्दी से ना बैनी को कहकर करवा लेता हूँ उसकी चेंज, और मिलता हूँ मैं आपको बाहर। और भाई साहब अभी ना मैंने बैनी से पूछ लिया था लीवरी वगैरह में, तो उसने कह दिया कि एक ब्लैक लीवरी बहुत ज़्यादा रेयर है, रेयर नहीं कह सकती, मीन्स ये ब्लैक लीवरी में ना बहुत ज़्यादा कम कार्स आती हैं, तो तुम ये वाली लीवरी करवा लो। तो मैंने कहा हाँ भाई यही कर दे। और अभी ना गाइस मैं सीधा जाने वाला हूँ लेस्टर के पास, क्योंकि आई डोंट नो वाई बट उसका कॉल आया था, वो कह रहा था कि कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो मैं जल्दी से अभी चला जाता हूँ। एक बार लेस्टर से फ़ोन लगा के पूछ ही लेते हैं कि क्या इतना इंपॉर्टेंट उसे काम आ गया है। तो पूछ लेते हैं लेस्टर से। और भाई गाड़ी की ना हैंडलिंग सच में कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है जब से हमने ये वैनी से मॉडिफाई करवाई है। पहले भी अच्छी थी बट अभी ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो मैं लेस्टर से फ़ोन लगा के पूछ लेता हूँ कि क्या करना है, तो देखते हैं ये उठाएगा या फिर नहीं। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना लेस्टर से मैंने बात कर ली, और वो कह रहा है कि तुम ना जल्दी से बेस में आओ, जो लेस्टर का सीक्रेट बेस है वहाँ पर ना उसने थोड़ी सी फ्रैंकलिन के बारे में बात करनी है, और थोड़ा सा उसने हमें वेपन वगैरह के बारे में कुछ बताना है। तो लेस्टर से अभी मैं जाकर ना पूछ लेता हूँ। और भाई गाड़ी ये ना चलाने में मज़ा ही आ जाता है, एक बार अगर चलाने लग जाए कोई, मन करता है कि चलाई जाए इस गाड़ी को। तो इसकी स्पीड बहुत है, ये देखो कितनी छोटी जगह थी, आसानी से गाड़ी निकल गई है, हैंडलिंग ही इतनी अच्छी है। और भाई और ये गाइस मैंने शीशे में आप देख रहे होगे कि छोटे छोटे ये छेद से क्यों हैं, तो ये गाइस मैंने ना स्पेशली रखवाए हैं, इधर से तो नहीं आपको दिखेंगे बट हाँ ये मैंने ना स्पेशली रखवाए हैं। क्योंकि गाइस क्योंकि हम अगर कई बार वेपन वगैरह निकाल देते तो उसमें शीशा तोड़ना पड़ता है, तो इससे आसानी से निकल जाएगा। और तो अभी हाँ लेस्टर के पास जाते हैं हम। बाकी ये गाड़ी भी अच्छी थी और ये भी बहुत अच्छी कार है, बट हमारी कार बेस्ट है। और भाई बातों बातों में हम भाई हमारी गाड़ी में आगे आ गया था ये। चलो कोई बात नहीं, इसके चोट नहीं लगी और हमारी गाड़ी भी मीन्स मतलब गंदी नहीं हुई गाड़ी।
तो अभी यहाँ पे पार्क कर देते हैं। और मैं ऐसे कह रहा था, बातों बातों के चक्कर में हम आ ही गए यहाँ पे, तो गाड़ी में अभी लॉक कर देता हूँ। और वही अभी गाड़ी भी लॉक हो गई है। तो अभी ना गाइस आई थिंक से नहीं, उधर होता है ना लेस्टर का, तो मैं इधर जा ही आ रहा हूँ। हाँ तो अभी ना जल्दी से मैं लेस्टर के जो सीक्रेट बेस में जाके उससे बात कर लेता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा था। तो जल्दी से अभी हम चले जाते हैं। और ऊपर से ना गाइस आज मौसम भी बारिश वाला हो जा रहा है, हो सकता है बारिश आ जाए। बट पहले तो अभी ना उससे पूछ लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो आई थिंक से वो अंदर ही बैठा होगा, पूछ लेता हूँ उससे मैं। और भाई अभी ना मैंने लेस्टर को बुला लिया, और बाकी का लेस्टर कह रहे हैं ना, उसने एक न्यू गेमिंग लैपटॉप भी लिया है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे भाई कितना अच्छा, इसमें बैक लाइट भी है, अच्छा कीबोर्ड है। हाँ तो ये तो मैंने देख लिया। बाद में अभी ना इससे मैं पूछता हूँ कि इसने मेन काम क्या है जिसके लिए बुलाया है, और अभी इसे पूछ लेते हैं। गाइज अभी मैंने इससे ना पूरी बात कर ली, और ये कह रहा है कि अभी इसको ना फ्रैंकलिन के बारे में पता लगाए, क्योंकि ये आपको पता है हैकिंग तो करता ही रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी इसके पीसी जो है हैकिंग वगैरह ही चल रही होगी आई थिंक से। तो ये अभी ना मुझे कह रहा है कि तुमने सिंपली ना वेपन चोरी करने हैं। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, इसने मुझे लोकेशन दी है यहाँ पे, बस यहाँ पे है एक ट्रेन स्टेशन, वहाँ पे वो कह रहा है कि ना एक ट्रेन आएगी मिलिट्री की, और उस मीन्स उनसे हमने लेने हैं वेपन्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि तुम यहाँ पे चले जाना और जल्दी से वो हाइस्ट कर लेना। बट हाँ ये कह रहा है कि उस हाइस्ट को करने के लिए ना तुम एक स्पेशल व्हीकल में जाना, तो उसके बारे में भी ये बताएगा। बाकी ये कहाँ पे जा रहा है भाई। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना ये आ गया है, लेस्टर बाहर हम आ गए हैं। तो ये कह रहा है कि तुमने वहाँ पे जाना है, बट जो मैंने आपको कहा था ना कि एक स्पेशल व्हीकल में जाना है, तो उसका पता तो इसको ही है। तो अभी इसने गन भी ले लिया, क्योंकि अभी बालास गैंग के साथ हमारी दुश्मनी है, तो रास्ते में हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। ऑल राइट गाइस, तो लेस्टर कह रहा है कि वो मेरे साथ वहाँ पे नहीं जाएगा, और मुझे ना गाइस वो जो हाइस्ट है ना वो अकेले को ही करनी पड़ेगी। हाइस्ट नहीं कह सकते, हाँ वेपन हाइस्ट कह सकते हैं उसे। तो मैं इधर से ले जाता हूँ गाड़ी। तो हाँ भाई, एक तो ना दूसरी कार बहुत ज़्यादा मुझे घटिया लगी आ रहा है इस गाड़ी के सामने, तो मैं शॉर्टकट वेज के साथ जा रहा हूँ। इधर से एक शॉर्टकट पड़ता है, तो उधर से ही जाएंगे हम, और इधर से हम चले जाते हैं। और हाँ अभी लेस्टर कह रहा है कि वो जो हमारी ये फरारी है ना, इसको लेकर घर पे आ जाएगा, और हम उतने में वहाँ पे जो हाइस्ट है वो कर लेंगे स्पेशल व्हीकल में। और लेस्टर कह रहा है वो ना स्पेशल व्हीकल की थोड़ी सी हैंडलिंग थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि वो एक आप कह सकते हो रेसिंग व्हीकल से भी थोड़ी सी ज़्यादा ही एडवांस्ड कार है। तो अभी मैं जल्दी से ना बिना बातें करते वहाँ पे चला जाता हूँ, लोकेशन जो इसने दिया है। और भाई 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 हमारी गाड़ी भाई ओवर ओवर ही चली गई थी स्पीड इसकी, और ये कंट्रोल से बाहर आ गई थी हमारे। तो कोई बात नहीं, ये कार अच्छी है वैसे तो। और लेस्टर कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, गाड़ी भी नहीं चलानी आती। तो एक तो गाइस इसकी स्पीड ज़्यादा है ना, ये ऑफ रोडिंग वाला एरिया, ऑफ रोडिंग टाइप एरिया है, तो भाई 200 की स्पीड पे भगा रहा हूँ मैं गाड़ी। तो अभी ना हम सीधा उस लोकेशन पर चले जाते हैं बिना बातें करे, और भाई अभी खाई में गिरते गिरते बचा हूँ, तो बिना बातें करते चले जाते हैं। बाकी भाई ये पीछे क्यों पड़ी जा रही है यार पुलिस लोगों के बेमतलब में। तो अभी चले जाते हैं हम। तो भाई बारिश का भी कोई पता नहीं है कि कब आ जाए, तो देखते हैं क्या होता है। और भाई अभी ना हम उसी लोकेशन पर ना आ गए हैं, और इसको ऐसे करते हैं भाई, इस गाड़ी को अंदर ही रख देते, क्योंकि बारिश हो ही जा रही है, तो अंदर हमारी गाड़ी सेफ रहेगी। और अभी गाड़ी में से निकल जाते हैं बाहर हम, और गाड़ी को कर देते हैं लॉक। तो अभी भाई मेरी बात सच में चली गई, अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो ये तो जल्दी रुक जाएगी। तो अभी हम ना लेस्टर की जो सीक्रेट कार है उसको देखते हैं कि किधर है। तो आई थिंक से वो दूसरी साइड में खड़ी हुई है, तो देख लेते हैं कहाँ पे है वो। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना मैं कार वहाँ पे पार्क की हुई थी, तो मैं इधर ले आऊँ, और बारिश में भी रुक जाएगी थोड़े से टाइम में। और भी आप देख सकते हो लेस्टर यहाँ पे खड़ा है, तो मैं इसे लेस्टर को कह देती हूँ कि तुम ना वापस चले जाओ बेस में हमारी जो ये फरारी है लेके, तो मैं जल्दी से उसे बता देता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो अभी लेस्टर कह रहा है तुम टेंशन मतलब जब बारिश रुकी तो ये चला जाएगा, क्योंकि अभी बारिश में ना गाइस इसको ड्राइविंग मैं ये कह रहे स्लिप वगैरह ना कर जाए, क्योंकि सुपर कार है तो ख़तरा है ज़्यादा। तो ये कह रहे तुम जाओ वहाँ पे, तो नज़दीक में ही है लोकेशन, तो हम जल्दी से चले जाते हैं। बाकी गाइस गाड़ी देखो ये कितनी ज़्यादा सही लग रही है,
जैसे कोई सुपर कार से भी, मीन्स सुपर कार तो है ही ये, मतलब सुपर कार से भी एडवांस्ड ही लग रही है मुझे तो ये गाड़ी। वैसे इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, 2-3 सेकंड में ये बहुत ज़्यादा स्पीड गेन कर लेती है। और अभी मैं बातों बातों में गलत आ गया हूँ, बट कोई बात नहीं, इधर से भी वे है एक। और भाई ये तो कंट्रोल में ही नहीं आ रही गाड़ी, ऊपर से बारिश हो ही जा रही है तो रोड भी स्लिपरी है, तो देखते हैं क्या होता है। और भाई 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 इसकी ब्रेक कैसी है यार, घटिया ब्रेक्स, आधा घंटा रुकने में लगा दिया और फिर से ठुक गई। तो ये गाड़ी का ये हमें इसलिए ले जानी पड़ रही है क्योंकि वो लोकेशन पे ना इस गाड़ी का एक्सेस है, तो इसीलिए हम चले जाते हैं। तो अभी गाइस इसको ना धीरे ही चलाएंगे हम क्योंकि इसकी ब्रेक भी नहीं पड़ती। और भाई 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 रुको, ये आई थिंक से टेस्ला का साइबर ट्रक है, रियली भाई ये लॉस सैंटोस में लॉन्च हो गया। ये भी गाइस हम रिपोर्ट कराएंगे यार, मुझे अच्छा लग रहा है देखने में तो देखेंगे कैसा है। पर टेस्ला साइबर ट्रक ना देखने में तो अच्छा है, बाकी चला कर ही पता लगेगा कि कैसा है। बाकी इसकी स्पीड बहुत है यार गाड़ी की, तो थोड़ा सा इसे धीरे कर लेते हैं हम। भाई अभी मैं बिल्कुल रेस नहीं दे रहा हूँ, अभी भी गाइस 150 की स्पीड पे आराम से चल रही है। और भाई अभी हम उसी लोकेशन पर जाने वाले हैं, बट मुझसे गाड़ी ठुक गई है, इस पर तो स्क्रैच पड़ने नहीं वाला, बुलेट प्रूफ कार है ये। ये देखो मैंने एक बार फिर से अभी ये ठोका है। और भाई एक सेकंड क्या कह रहे हैं भाई, गाड़ी पलट गई, कोई बात नहीं, ये तगड़ी कार है, इसको कुछ नहीं होता। बाकी इसकी डोर भी अलग ही तरीके से खुलती है, बट ये हमें क्या कह रहा है। हाँ भाई मुझे मुझसे पंगा लेगा तू, ये ले भाई इसको, तो इसका तो हमने काम कर लिया है। तो अभी वो लोकेशन आ ही गई है फाइनली, हाँ यही है वो लोकेशन। भाई पुलिस लग गई पीछे, तो कोई बात नहीं, लेस्टर को कॉल करके वो तो हटवा लेते हैं। ऑल राइट, तो वो पुलिस तो हट गई है। और भाई अभी ना मैं यहाँ पे आ गया हूँ, एक बार ना वेपन अंदर कर लेता हूँ, आई थिंक से यही लोकेशन दी है। और गाड़ी मैं यहाँ पे ले आऊँ क्योंकि दूसरी गाड़ी ना ये ट्रैक कर लेते हैं। भाई कि भाई नीचे गन गिरी पड़ी है, वाह, तो आई थिंक से यही लोकेशन है, हाँ इधर है। तो ये क्या लिखा है, बी अवेयर दी ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी विल हैव एनी अनऑथोराइज व्हीकल टोड, यस यही बात मैं कह रहा था गाइस, ये जो व्हीकल है ना इसे टो नहीं कर सकता कोई, क्योंकि इसमें ये ऑथोराइज्ड व्हीकल है यहाँ की। और लेस्टर ने हमें ये दे दिया व्हीकल, कहते रख ही लो तुम। तो अभी ना मैं जल्दी से इसके अंदर जा बढ़ता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो अभी है ना मैं इस लोकेशन के अंदर आ गया हूँ, और बहुत ही ज़्यादा सही लोकेशन सी है। अभी हमने इसको मारना है, तो इसको पता ना लगे तो ऐसे मारना है, इससे मारते हैं गाइस, इसको पता नहीं लगेगा। और भाई इसका काम तमाम, और भाई पुलिस पीछे पड़ गई, कोई बात नहीं। पहले तो गाइस इसको आई थिंक से हैक करना पड़ेगा मुझे, तो कर लेते हैं। तो अभी इसमें ना हम भाई जाली में सीख करी जा रहे हैं माइकल से, तो जल्दी से ना लैपटॉप में से हम कर लेते हैं हैकिंग। तो ये रहा हमारा लैपटॉप, इसमें लेस्टर के दिए सारा जो उसने समझाया वो कर लेते हैं। हमने ये अपना ये कार्ड जो है निकाल लिया है, और अभी जाते हैं एक बार ना, अभी हमें गाइस ट्रेन जो है ना उसे बुलवाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे है ना गाइस एक लैब टाइप एरिया है ये, तो देखते हैं क्या है। बट इसमें ना केमिकल है, तो हम समय संभाल के ही मतलब करना चाहिए सारा काम। तो अभी बाहर चले जाते हैं हम, तो देखते हैं क्या होता है बाकी। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम बाहर चले जाते हैं इसके। भाई अभी आई थिंक से ट्रेन आएगी, और बारिश अभी तक रुकी नहीं है भाई, तो देखते हैं क्या होता है बाकी ना। अभी बहुत ज़्यादा काम है हमें, लेस्टर कह रहा है एक और काम है वो भी तुम्हें करना पड़ेगा, फिर ही हम फ्रैंकलिन को बचाने की तैयारियां जो है कर सकेंगे। अभी तो ना गाइस ट्रेन मैंने बुलाई है लैपटॉप में से, रेलवे है सिस्टम है उनसे। और अभी ना मैं यहाँ पे पॉइंट पे चला जाता हूँ, नीचे से चले जाते हैं गाइस हम, और अभी वेट करते हैं कि ट्रेन कब आए और हम उसे लूटें। भाई आई थिंक से ट्रेन आ गया, और अभी आई थिंक से मुझे गार्ड्स को ना किल करना पड़ेगा आई थिंक से। भाई वो रहा, इसको नहीं पता था कि हमारे बहुत ज़्यादा तगड़ी जो है वेस्ट डाली हुई है। किधर है भाई, आई थिंक से नीचे है वो, ऊपर भी हैं ट्रेन के गाइस वो रहा, इसको तो हेडशॉट मार के हमने डाउन कर दिया। और भाई एक ये रहा, ये भाई सारे हमने इन्हें मार दिया है। और यहाँ पे आई थिंक से यही लोग, हाँ ये तो आई थिंक से मैरी वेदर के हैं ये,
ओके तो आई थिंक से यही है ना। हाँ तो इसको कट करना पड़ेगा अभी हमें कटर के साथ। तो ये निकाला मैंने लेस्टर का दिया वो कटर, और जल्दी से ना इसको कट कर देते हैं। और भाई लॉक को मैंने कट कर दिया, और अभी इसको खोल लेते हैं। और भाई आगे ना गोल्ड है। अभी आप कह रहे हो कि वेपन है नहीं यहाँ पे, एक्चुअली गाइज इसमें ना गोल्ड मिलेंगे, और वेपन जो है लेस्टर इम्पोर्ट करेगा। तो एक टाइप से ऐसे कह लो कि वेपन की हाइस्ट है ये। तो ये अभी हम गोल्ड जो है सारा अपने बैग में इकट्ठा कर लेते हैं, और बाद में लेस्टर को कह कर मैं ये दे दूँगा। और वेपन जो है हम मंगा लेंगे। भाई जल्दी उठा यार माइकल, क्या घंटा लगा दिया। तो भी किसी को पता नहीं लगा इसका, क्योंकि हमने वो जो गार्ड वगैरह थे जो पुलिस को कॉल कर सकते थे उन्हें तो मार ही दिया था। और भाई ये हमें मिल गए हैं भाई, आई थिंक से 4 बहुत ज़्यादा ही पैसे मिल गए हैं। तो ये भाई हमने ट्रेन की हाइस्ट जो है कर ली है। तो अभी ना हम ऐसे कर देंगे सीधा अपनी जो व्हीकल थी ना उसको लेकर चलते हैं लेस्टर के पास। और अभी वेट भी करते हैं कि ये जल्दी से ना बारिश जो है ख़त्म हो जाए। तो होपफुली जल्दी से बारिश जो है हट जाए, पड़नी पड़नी हट जाए ऐसे कहना था मैंने। तो ये हमने उठा ली अपनी गाड़ी और अभी चलते हैं लेस्टर के पास। तो ऑलराइट गाइस अभी ना बारिश तो सच में ही हट गई है, और अभी ना मैं ऐसे करता हूँ, इस गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है वैसे हमारी। तो एक बार मैं लेस्टर से पूछ लेता हूँ कि कैसे करना है। मैं कहता हूँ अभी रात हो गई है तो सुबह ही जाएंगे उसके पास। तो एक बार मैं उससे फ़ोन करके ना पूछ लेता हूँ, ये रहा लेस्टर, उसे पूछ लेते हैं। ऑलराइट गाइस अभी मैंने लेस्टर को कॉल करके पूछ लिया, वो कह रहे हैं हाँ सही बात है तुम्हारी, अभी रात हो गई आप देख ही सकते हो। तो वो कह रहा है कि तुम ना सुबह आना। तो अभी मैं ऐसे करता हूँ, अपना ना घर है जो पुराने घर में ही चले जाते हैं, क्योंकि नए घर थोड़ा सा मीन्स दूर पड़ता है। तो अभी हम अपने घर में चले जाते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करेंगे। जब भी सुबह सुबह क्या कह रहा हूँ घर में, जब सुबह हो गई तभी हम चले जाएंगे लेस्टर के पास। और गाइस अभी ना मैं घर से आ गया हूँ और सुबह हो गई है, बट गाइस यहाँ पे ना ठंडर का वेदर हो रहा है। तो बाकी यार मैं सोच रहा हूँ कि वेदर, बट नहीं चले ही जाते हैं अभी हम। तो सुबह के आई थिंक से अभी 8 बज रहे हैं, और अभी गाइस थंडर स्ट्रॉम आ ही जा रहा है यहाँ पे। और स्लिप गाइस देखो गार कितनी हो रही है। तो अभी ना गाइस मैं लेस्टर के पास चला जाता हूँ, यहाँ पे उसका बेस नज़दीक ही है हमारे पुराने घर से। बाकी मैं सोच रहा हूँ ना गाइस कि जो हमारा न्यू घर है ना $1 बिलियन का, उसके हम ना पुराने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि गाइस पुराना घर ना हमारा अच्छा है न्यू घर से, मतलब न्यू घर ऐसे नहीं कह रहा कि वो घटिया है, वो पूरा हाई एंड घर है। बट हाँ वो हम वैसे रखेंगे, वहाँ पे हम ना अपनी कार वगैरह स्टोर करेंगे। तो अभी मैं जल्दी से ना लेस्टर के पास चला जाता हूँ, ये रहा उसका बेस। और भाई यार तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है ये, तो मैं जल्दी से ना इधर गाड़ी को पार्क कर देता हूँ। और अभी लेस्टर से पूछ कर ना हम आगे का काम करेंगे। बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि बारिश को थम जाने देते हैं, फिर ही जाएंगे। तो एक बार मैं लेस्टर से अंदर जाके बात कर लेता हूँ और देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो ये आ गया उसका बेस। और अभी मैं 2-3 घंटे में बारिश हट जाएगी तो यहाँ पे ही स्टे कर लूँगा मैं। और भाई यहाँ पे थोड़ी सी शांति है, कोई भी नहीं है, लेस्टर होगा अंदर। तो पूछते हैं उससे क्या करना है आगे। और भाई अभी ना लेस्टर यहाँ पे बैठा था, हमें दिखा ही नहीं। तो अभी जल्दी से पूछ लेते हैं कि आगे क्या करना है। और गाइज अभी लेस्टर ने ना मुझे सारा प्लान बता दिया है, और आगे का काम ना गाइज बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो अभी आई थिंक से बारिश भी थम गई है, तो हाँ आई थिंक से बारिश रुक गई है। कोई भी मौसम भाई बहुत ज़्यादा घटिया सा हुआ पड़ा है। तो एक बार ना गाइज मैं बाहर जाके आपको पूरा प्लान बताता हूँ, फिर आगे का काम हम शुरू करना है। लेस्टर ने कहा है मिलिट्री बेस में ना एक हेलीकॉप्टर है, और वो कह रहा है कि उसे चुरा कर लाना है। मिलिट्री बेस में वो हेलीकॉप्टर अभी खड़ा है, ऐसे कुछ नहीं पता कि कौन सी लोकेशन पर है। तो लेस्टर कह रहा है कि तुम्हें ना मैं एक स्पेशल बाइक दे देता हूँ, अगर तुम बाइक से जाओगे तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा वहाँ पे जाना और एंटर करना बेस में। क्योंकि एक सीक्रेट टेक्निक है बेस में एंटर करने की, वो माइकल को वो और लेस्टर को पता है। तो अभी गाड़ी को ना अच्छे से पार्क करना परफेक्टली। अभी गाड़ी परफेक्टली पार्क हो गया, और लेस्टर कह रहा है कि तुम्हारा वो जो व्हीकल है ना मोटरसाइकिल है वो जल्दी आ जाएगा। और गाइज वो बाइक ना सुपर फास्ट बाइक है, रॉकेट से भी ज़्यादा तेज़ भागते हैं, कहने की बात है। वैसे इतना तो आपको पता है, रॉकेट तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की स्पीड में जाते होते हैं। तो भी वो कह रहा है कि वो बाइक जल्दी उसने ऑर्डर कर दिया है, मीन्स उसके दूसरे बेस से।
तो उनका आदमी लेकर आता है वो बाइक, तो वेट कर लेते हैं तब तक हम। और भाई साहब फाइनली एक मीन्स 4-5 मिनट ही हुए हैं और ये बाइक हमारे पास आ गया। और भाई बाइक बहुत ज़्यादा सही है ये। उसके गाइस आप एक नोटिस करो कि इसके जो टायर हैं ऐसे टिल्ट होते हैं, मीन्स वैसे तो बाइक के हम टायर होते हैं वो दूसरे टाइप से होते हैं, मुड़ते हैं, बट इसके टिल्ट होते हैं टायर ऐसे मोड़ने के लिए। तो इसको चलाने में थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड में चलती है बाइक, इसमें व्हीली हो जाती है आई थिंक से, देखनी पड़ेगी वो तो करके, तो वो तो बाद में करेंगे। तो अभी ये लेस्टर ने मुझे बैग दे दिया वेपन्स का जो उसने इंपोर्ट कराए थे, और गोल्ड का भी मैंने उसे दे दिया था पहले। तो अभी ऐसे करते हैं ना, सीधा हम वहाँ पर जाते हैं मिलिट्री बेस में। और अभी गाइस मैं आपको सीक्रेट ट्रिक जो है बताने वाला हूँ वो इधर से है। तो पहले तो अभी ना हमें हाईवे पे जाना पड़ेगा मिलिट्री बेस के, तो वहाँ पर अभी चले जाते हैं। बाकी यार बाइक की स्पीड सच में ही बहुत है, 100 किलोमीटर की स्पीड इसने पता नहीं 2-3 सेकंड में ही पकड़ लिया है। और अभी गाइस यहाँ पे एक और गाड़ी जा रही है, ये ऑडी लग रही है मुझे, बट कोई और गाड़ी आई थिंक से। तो इस गाइस बाइक की हैंडलिंग ठीक है, तो अभी ना गाइस मैं जल्दी से फुल स्पीड में भगा कर तो नहीं लेकर जाने वाला, क्योंकि ये बाइक में ना सेटिंग होती है एग्रेसिव सेटिंग, उसमें ये बाइक रॉकेट जितनी तेज भागती है। तो अभी हमने लो सेटिंग ही की हुई है इसकी, नॉर्मल लो भी नहीं मीडियम की हुई है, तो ये ज़्यादा तेज़ नहीं भागती, इस सेटिंग में कंट्रोल में रहती है। तो अभी ना आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने वाली हमारी बाइक। तो अभी ना मैं जल्दी से बिना बातें करते चला जाता हूँ वहाँ पे हाईवे पे। हाँ वैसे वो नज़दीक में ही है। और बाकी गाइस ये ना बाइक बहुत अच्छी है, और अभी ना गाइस मौसम बहुत अच्छा हो गया, सुबह से बारिश पड़ रही थी, थंडर स्टॉर्म आ रहा था, और अभी क्लाउड्स हैं मतलब, तो थोड़ी सी धूप है हल्की हल्की, तो देखने क्या होते होने वाला है। और भाई इधर से हम चले जाते हैं, और भाई सामने आपको दिख ही रहा होगा वो रहा हमारा मिलिट्री बेस। अभी आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ना अभी यहाँ पे मौसम थोड़ा सा फॉग सी है, तो देखते हैं क्या होने वाला है आगे। तो वो तो आगे ही पता लगेगा कि माइकल इसको सक्सेस कर पाएगा मिशन को या फिर नहीं। और लेस्टर कह रहा है कि बाद में हम कैपेबल हो जाएंगे फ्रैंकलिन को छुड़ाने के लिए बालास गैंग से, और अभी तो फिलहाल टाइम। भाई एक सेकंड, यहाँ पे भी साइबर ट्रक है टेस्ला का, भाई देखने में तो अच्छा ही है, आई थिंक से वही टेस्ला का साइबर ट्रक है जो हमने पहले देखा था। तो हाँ वैसे अच्छा है साइबर ट्रक, बुरा नहीं है, तो ये भी हम इंपोर्ट करवा लेंगे अगर अच्छा हमें मिला कहीं से। बाकी गाइस बाइक कहने की बात है बहुत ज़्यादा रॉकेट जैसे तेज भागती है, बट सच में ही है ये, तो सच में रॉकेट के जैसे तेज भागती है। क्योंकि यार अगर ये मीडियम सेटिंग पे इतनी तेज भाग रही है तो एग्रेसिव मोड पे ये कितना तेज भागेगी आप अंदाज़ा लगाओ। और भाई एक और टेस्ला साइबर ट्रक मुझे अभी दिखा था, बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है टेस्ला कंपनी लॉस एंजलस में भी, सेंटोस, सॉरी यार मैं लॉस एंजलस क्यों कह देता हूँ। तो टेस्ला की कार भी है एक, वो भी हम इम्पोर्ट कराएंगे। और भाई गाड़ी या जो ना बाइक गाड़ी कह रहा हूँ, इसकी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा सही है। ये देखो अभी बीच ठुक जानी थी गाड़ी हमारी, बट हमने अच्छे से कंट्रोल कर लिया कार। और अभी आप कह रहे होगे कि मिलिट्री बेस तो पीछे रह गया, बट मैं यहाँ पे क्यों आ रहा हूँ, यही तो गाइस सीक्रेट ट्रिक है। और भाई ठोकर यार भाई, ये क्या, एक सेकंड यार, ये क्या गली बैठा है, ये क्या हो गया यार, मैंने मिलिट्री यहाँ पे सीक्रेट एबिलिटी यूज़ कर दी थी भाई, इतने ज़्यादा पैसे ले बैठा है ये, मुझे दे भाई $14 थे तो रुपीज़ वैसे, ये क्या हुई, ये क्या बात हुई। तो ऐसे करते हैं ना, ओ भाई व्हीली, भाई बहुत अच्छी व्हीली बजती है इस कार बाइक से। तभी ना एक बार मैं लेस्टर से पूछ लेता हूँ कि इस गाड़ी को भी मुझे एग्रेसिव मोड में लाना चाहिए या फिर नहीं, तो मैं इसको कॉल करके अभी ना पूछ लेता हूँ, तो देखते हैं क्या कहता है। बाकी थोड़ा सा इधर हम इसे पार्क करेंगे, तो लेस्टर को भी मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ। और भाई अभी ना मुझे लेस्टर ने क्या परमिशन दे दिया कि तुम इसे जल्दी से ना रॉकेट मोड में यूज़ करो एग्रेसिव में, और वहाँ से मैं अभी आपको एस्केप करके दिखाऊंगा, मीन्स मिलिट्री बेस के अंदर जाके दिखाऊंगा। और अभी हमने सुपर मिलिट्री से भी ज़्यादा जो होती है ना स्ट्रॉन्ग वेस्ट वो पहन लिया, लेस्टर ने भी दी थी, वो कह रहा है एक भी बुलेट नहीं लगेगी तुम्हें। और भाई ये क्या हो गया,
और भाई ये था इसका रॉकेट मोड, ये ना हवा में उड़ने जैसे बिहेव कर दिया बाइक, तो अभी मिलिट्री को पता नहीं लगा कि हम उनके बेस के अंदर आए हैं। तो अभी ना गाइस मुझे ना ध्यान से अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक भी बार अगर उन्होंने देख लिया तो हमारे पीछे पुलिस पड़ जाएगी 5 या फिर 4 स्टार। तो अभी देखते हैं, एक बार मैं लेस्टर से पूछ लेता हूँ कि आगे क्या क्या करना पड़ेगा हमें। और गाइज अभी ना फाइनली मैंने लेस्टर से बात कर ली, बट आई डोंट नो वाई उन्हें पता लग गया है पुलिस वालों को, और वो भी मेरे पीछे पड़ गए हैं। और भाई अभी मुझे लेस्टर ने बता दिया कि वो जो है हेलीकॉप्टर की वो कहाँ पर खड़ा है, बट ये अगर मुझे वहाँ पे जाने देंगे तभी। और भाई वो हेलीकॉप्टर ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, मीन्स उसमें अभी वेपन तो कोई नहीं लगा हुआ, वो लगवाएगा लेस्टर लगवा लेगा उसमें, तो उनका जो ये फोड़ के जाएंगे हम। और भाई इनके पास ना बहुत ज़्यादा तगड़ी तगड़ी गन्स हैं, तो अभी मैं रॉकेट मोड थोड़ा सा ऑन किया हुआ है मैंने, तो अभी मैं ना भाई ये क्या हो गया था, थोड़ा सा इसको ना शांत करना पड़ेगा बाइक को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ताकतवर बाइक है ये। और अच्छा ये इसमें थोड़े से टायर में अड़ रहे थे इसीलिए बाइक ऊपर उछल रही थी। ऊपर से गई जहाँ पे पुलिस भी पीछे पड़ी हुई है, ऊपर से मिलिट्री पूरी। और भाई नहीं ये सही बात है वैसे, ये रहा मिलिट्री का एक बंदा। तो भाई ये तो हमारे ऊपर टैंक, भाई भाई हमारे पीछे इन्होंने तो टैंक भी लगा दिए हैं। भाई यहाँ पे क्या हो गया, और अभी ना गाइस यहाँ पे जेट भी है, मेरे पास ऑप्शंस बहुत हैं ऐसे निकलने की। अगर मैं चाहूँ तो जेट लेकर भी भाग सकता हूँ इनका, जो कि अच्छा आइडिया नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी जो ये मिशन है ना जो हमें लेस्टर ने दिया है ये फेल हो जाएगा। और अभी तो मैंने वो हेलीकॉप्टर लेना ही, हर हालत में लेना ही लेना है। अभी गाइस बहुत ज़्यादा ना दिक्कत हो गई है यहाँ पे। या फिर एक और बात है, लेस्टर हमें कह रहे हैं ना कि अगर तुम इनका जो ये ऊपर वाला बेस में यहाँ पे वो रडार लगाए ना, उसको डिसेबल कर दो ना कुछ भी करके, तो फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर ये हमारे पीछे मिसाइल नहीं पड़ेगी। और लेस्टर कह रहे हैं कि इसका जो कंट्रोल रूम है ना वो यही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसे डिस्ट्रॉय करेंगे ना, एक सेकेंड भाई, यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और भाई इसके ऊपर लगा क्यों नहीं, इनके ऊपर लगा देते हैं, लगा नहीं। ओ भाई साहब आई थिंक से मुझे ना इधर लगाने चाहिए बॉम्ब्स, क्योंकि यहाँ पे मेन जो पावर सप्लाई है, भाई हमारी गाड़ी में आग लग गई है, इधर ही है इनकी पावर सप्लाई पूरी मेन। तो ये गाइज इनका रडार ना अभी ख़त्म कर देंगे हम। और भाई आई थिंक से इनका रडार अभी ख़राब हो गया, घूम तो रहे क्योंकि वहाँ पे पावर तो जा रही है, बट मेन जो इनका पीसी वगैरह लगा होता है ना वो अभी हमने डिसेबल कर दिया है, लेस्टर ने भी उसको हैक किया था पहले। तो अभी आई डोंट नो वेयर इज़ द हेलीकॉप्टर, लेस्टर कह रहा है कि वो ना एक सुनसान सी जगह पे इन्होंने रखा हुआ है, तो मुझे जल्दी से ना उसे ढूंढना पड़ेगा। अभी थोड़ी सी शांति है क्योंकि यहाँ पे उन्हें पता, आई थिंक से यही तो नहीं हेलीकॉप्टर उनका, बट यहाँ पे आई थिंक से कहीं और भी। फाइनली मुझे हेलीकॉप्टर की लोकेशन पता लग गई है, बट अभी ना मैं थोड़ा सा बाहर आ जाता हूँ क्योंकि इनको भी तो मारना है। तो भी मैं ना एक बार लेस्टर को बताऊँगा, भाई एक यहाँ पे भी सेम हेलीकॉप्टर है, आई थिंक से ये दूसरा मॉडल होगा उसका कोई, बट लेस्टर कह रहा है जो सुनसान जगह पे खड़ा है ना वो ही लेना है तुमने। भाई यहाँ पे टैंक भी बहुत हैं, और भाई ये तो बहुत ज़्यादा, भाई चारों ओर से इन्होंने मुझे घेरा हुआ है यार, मैं भी पिस्टल के साथ इन्हें मार रहा हूँ। ये क्या हो गया, इसकी हेड हेड तोड़ के चला गया मैं। और अभी ना गाइस बहुत ज़्यादा खतरा है, टीयर गैस फेंकूँ यहाँ पे, मोलोटोव फेंक देते हैं गाइस हम। और अभी गाइस इनका टैंक मैंने एक डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अभी भाई साहब कितना भारी टैंक है ये, हमारी बाइक जा ही नहीं पा रही।
और भाई अभी ना मैं बाहर आ गया हूँ, बट आई डोंट नो वाई मेरे स्टार जो है कम हो गए हैं, क्योंकि अभी ये हमने इतना ज़्यादा यहाँ पे कोई चीज़ तो नहीं चोरी की, बट बढ़ जाएंगे जब हमने हेलीकॉप्टर चोरी कर लिया। उनका रडार तो मैंने डिस्ट्रॉय कर ही दिया है, नीचे उनका मेन जो सिस्टम है वो मैंने सारा डिस्ट्रॉय कर दिया है, और अभी मैं चुपचाप ना जल्दी से वो लेकर जाने वाला हूँ उनका जो हेलीकॉप्टर उठा के। भाई इनकी भाई जो जो कार्स है ना आधे से ज़्यादा मैंने डिस्ट्रॉय कर दी हैं, तो अभी ये बहुत ज़्यादा कम बची हैं, और है ये अभी हमारे पीछे ही पड़ी हुई है। ये आ गई, एक इसको मार देता हूँ मैं वहाँ पे। भाई यहाँ पे ही इन्होंने सिक्योरिटी थोड़ी सी टाइट कर दिया है, और अभी मैंने चुपचाप गई उनका हेलीकॉप्टर जो है ना उठा कर चला जाता हूँ। भाई ये तो हेलीकॉप्टर के पीछे पड़ गए, और भाई साहब अभी ना हमने इनका रडार जो हैक किया हुआ है ना, तो इसीलिए वो अभी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी मिसाइल आएगी नहीं अगर उन्हें सिग्नल ही नहीं मिलेगा। तो अभी फाइनली हमने इसको ले लिया है, बट लेस्टर कह रहा था इसमें वेपन नहीं है, बट इसमें तो है वेपन, मिसाइल्स हैं इसमें। और भाई ये बड़ा तगड़ा है यार सिस्टम इसका, आई थिंक से इसी चीज़ के लिए लेस्टर कह रहा था हमें ये हेलीकॉप्टर लेने के लिए, क्योंकि ये जो सिस्टम होता है ना मिसाइल का बैरेज वाला, ये बहुत ज़्यादा ही रेयर हेलीकॉप्टर्स में होता है। बट अभी हमारे पीछे ना जो पुलिस ही पड़ी हुई है इसके, अभी मैं ऐसे करता हूँ गाइस थोड़ा सा ना इसको पहले तो हम ना एक सीक्रेट जगह पर स्टोर करेंगे, जो कि है ट्रेवर का एयर स्पेस, यहाँ पर ही ऑब्वियसली हम इसे रखने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होने वाला है। बट अभी पुलिस जल्दी से ना हमारा पीछा छोड़ दे, यही मैं प्रे कर रहा हूँ। हेलीकॉप्टर ही है वैसे तो पुलिस के, क्योंकि पुलिस की कार तो हवा में उड़ ही नहीं सकती। अगर मैं इनको हेलीकॉप्टर्स को ना नॉर्मल तोड़ के देखूं, आई थिंक से ये होमिंग मिसाइल से ही फूटने वाले हैं। ये मैंने लिखी है लॉक टारगेट, और भाई सच में ये तो वर्किंग है, मैं ऐसे इन पुलिस के हेलीकॉप्टर जो है तोड़ सकता हूँ। मिलिट्री अभी हमारे पीछे से हट गई है, आई डोंट नो वाई, अभी पुलिस ही है हमारे पीछे। तो अभी तो पहले यार मैं इसको ना ट्रेवर के एयर फोर्स में ले जाता हूँ, क्योंकि अभी पुलिस के हेलीकॉप्टर भी नहीं है हमारे पीछे, तो अभी यही फाइनल अच्छा मौका है, तो अभी मैं जल्दी से चला जाता हूँ। बाकी इसकी ना स्पीड थोड़ी सी कम है, वो तो अभी मॉडिफाई हो जाएगा। ये क्या, ये क्या हो गया भाई? आई थिंक से वहाँ पे जेल है ना, इसीलिए ये कुछ कह रहे होंगे कि हमारे एरिया में मत आओ लेकर। तो नहीं आ रहे भाई, यहाँ पे हमने क्या करना है आके? पुलिस का हेलीकॉप्टर भी अभी नहीं है हमारे पीछे कोई, क्योंकि एक आधा ही था वो हमने ख़त्म कर दिया। पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है? पुलिस की कार्स हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो अभी इसको ना हम यहाँ पे नीचे करा देते हैं लैंड। हेलीपैड पे नहीं मैं लैंड करवाने वाला इसे, क्योंकि पता लग जाएगा वहाँ पे तो। और भाई आई थिंक से भी पुलिस ने भी हमारा पीछा जो है छोड़ दिया है, अगर मैं यहाँ पे इसे लैंड कराऊँगा ना तो ये ट्रैक ना कर ले मिलिट्री हमारे हेलीकॉप्टर को, तो इसको अंदर ही लैंड कराऊँगा। भाई ये मेरा आइडिया गलत था, इसको जल्दी से बाहर निकालना पड़ेगा, इसको यहाँ पे ही लैंड करवाते हैं हम। और अभी लेस्टर भी यहाँ पे पहुँच गया है, और भाई निकल बाहर माइकल। तो भी मैं लेस्टर को कह देता हूँ कि भाई तुम्हारा प्लान जो है सक्सेस हो गया है, और अभी लेस्टर से बात करते हैं। ये कह रहा है ना, ये इसने फ़ोन पे बताया था कि इसका एक ना GPS भी रिमूव करना है, तो वो ये कर देगा। पहले इससे इसका रिएक्शन देखते हैं कि कैसा है। और भाई अभी ना लेस्टर खुशी से पागल हो गया है, ये देखो भाई नाच रहा है यहाँ पे खड़ा। तो अभी इसका ये कह रहा है GPS रिमूव कर दो जो लगा होता है, तो मैं जल्दी से उसे डिसेबल कर देता हूँ। कह रहा है एक आधी गन बजा दो उसके ऊपर और वो डिसेबल हो जाएगा। वो लेस्टर कह रहा है ना जो ये गन होती है ना इसके ऊपर वाली साइड होता है यहाँ पे, तो ये ना गाइस एक कैमरा है इसके ऊपर लगा हुआ, इससे हम ना आप कह सकते हो, आपको याद होगा कि बहुत टाइम पहले एक मिशन होता था उसमें भी ये यूज़ होता है। तो इसको भी मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा कि कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ, तो कोई बात नहीं। ये इसका GPS आगे लगा हुआ है, तो इसको वो कह रहा है लेस्टर कि इसको ना तोड़ दो। लेस्टर कह रहा है ये ऐसे नहीं रुकने वाला, इस पर ना भारी प्रहार करना पड़ेगा हमें। या फिर लेस्टर कह रहा है तुम एक आधा यहाँ पे बॉम्ब जो है ना वो इसके ऊपर लगा दो, तो इसके ऊपर अगर हम बॉम्ब लगाएंगे ना तो जो इसका आगे वाला पार्ट है ना वो टूट जाएगा।
ओके आई थिंक से डिसेबल हो गया, एक बार देख आते हैं। तो यस गाइस ये डिसेबल हो गया, तो एक बार लेस्टर से भाई अभी तक ना जी जा रहा है भाई, इससे पूछ लेता हूँ कि हो गया डिसेबल या फिर नहीं। और भाई फाइनली लेस्टर ने कह दिया कि हाँ तुमने अच्छा काम किया और इसका डिसेबल हो गया। और अभी लेस्टर कह रहा है कि हम फ्रैंकलिन को बचा सकते हैं, इस हेलीकॉप्टर की मदद से हम उसको स्केप करवाएंगे उनके अड्डे से। और अभी लेस्टर कह रहा है मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम जाओ अपने घर। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा घर कैसे जाऊँ मैं, इसके अंदर बैठ कर चले जाते हैं। है तो एक और अच्छी गाड़ी, बट मुझे मेरा मन कर रहा है कि घटिया सी गाड़ी चला कर देखूँ कि कैसे चलती है ये गाड़ी, तो ये तो बहुत घटिया ही है। तो अभी ना मैं ऐसे करता हूँ अपने घर वापस चला जाता हूँ, तो पुराने घर में ही जाएंगे क्योंकि अभी वो नज़दीक पड़ रहा है, तो नए घर में तो बाद में ही जाएंगे हम। तो आज हमने ना बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, इनका जो हेलीकॉप्टर है ना उसको लेकर आए हैं मिलिट्री बेस से, इनका नहीं मतलब मिलिट्री बेस वालों का हेलीकॉप्टर। तो इससे अभी हम फ्रैंकलिन को स्केप करवाएंगे। और हाँ लेस्टर कह रहा है कि हम इन्हें वापस भी कर देंगे हेलीकॉप्टर मिलिट्री वालों को, उन्हें पूरा रीज़न बता देंगे। तो ये कह रहा है कि उससे ना हमें थोड़ा सा डर कम हो जाएगा मिलिट्री का। तो अभी गाइस घर जाना है, मैंने क्या किया जाए रास्ते में यार, एक आधा टेस्ला का साइबर ट्रक आ जाए तो उसे ले लेंगे हम, क्योंकि एक आधी गन दिखाकर हम उसे ले लेंगे। और अभी तो यहाँ पे घटारा कार जी आ रही हैं, ये कह रही है। तो अभी देखते हैं, क्या पता अभी मिल ही जाए टेस्ला का साइबर ट्रक, क्योंकि वो थोड़ा सा अभी कॉमन हो रहा है, तो देखते हैं। और भाई हमारी ना गाइस विश पूरी हो गया, हमें न्यू टेस्ला साइबर ट्रक मिल गया है रास्ते में। तो अभी इसको मैं रख लूँगा, इसको हम परमानेंट ही रख लेंगे। और भाई जान बहुत है इस ट्रक में, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि इसके बारे में कोई कौन नहीं जानता, एक भी खरोच नहीं आती इस पर। लड़ना है मेरे साथ, लड़ेगा तू, अब भाग रहा है वो तो, एक आधा मुझसे शॉट मिस हो गया। तो कोई बात नहीं, अभी हम टेस्ला ट्रक में बैठकर चले जाते हैं घर पे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, आई होप आपको ये एपिसोड GTA 5 का पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।